अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज का हमारा नेक्स्ट व्लॉग है। अच्छा, और सबसे पहली बात यह है कि मैं ये बताऊंगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जैसे मैंने पहला व्लॉग बनाया और आप सबका प्यार मिला, बड़ा ही अच्छा लगा। जैसे व्यूज़ आए हैं और लाइक्स आए हैं, सब्सक्राइब आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई है कि मेरे चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं और फ्रेंड्स ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो है मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हुआ कुछ इस तरह से कि जब अपलोड कर दिया मैंने थोड़ी देर बाद, तो जैसे ही यानी कि मेरी फैमिली ऐड थी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, जैसे उन्होंने मेरा स्टेटस देखा तो उन्होंने देखा कि वीडियो वगैरह देखी मैंने जो उस दिन जा रहा था बना रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बना रहे थे उस दिन वीडियो वगैरह। तो फिर उन्होंने LCD पे लगा के मेन हॉल में बैठ के सब ने व्लॉग मेरा देखा, तो सब ने वैसे बड़ा अप्रिशिएट किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हो और कंटिन्यूसली करते रहो। और बाकी जो मेरे दोस्त बाब हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने मुझे कहा है कि नहीं नहीं ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसको अब छोड़ना ना, बस कीप इट अप, यानी कि इसको करते रहो बस। यानी कि मैं आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, आप भी करें, आपको भी करना चाहिए। क्योंकि ये जो YouTube है, जो आप TikTok पे टाइम ज़ाया करते हो या इधर उधर टाइम ज़ाया करते हो, उससे अच्छा है कि आप YouTube पे आएँ और अपनी व्लॉग वगैरह स्टार्ट करें, या और भी जो काम है आप कर सकते हैं, या आपको कोई कंटेंट है, अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो आप मोबाइल वगैरह पे वीडियो बनाएं, अगर आपका वो सैलून है तो आप सैलून की वीडियो बनाएं, अगर आपका कोई और काम है या शॉप है या किसी भी किस्म का कोई आपका कारोबार है, आप उस पर वीडियो बनाएं तो आपकी तो जल्दी वायरल हो जाएगी। जैसे कि मुझे मुझे सिर्फ आता है कि मैं घूमने फिरने निकल गया या खाना वगैरह खा लिया या बाहर दोस्तों के साथ चला गया या अपनी ड्यूटी पे चला गया, जॉब पे चला गया, तो यानी कि मेरे पास उस कदर की एक्टिविटी नहीं है जो आप लोगों के पास हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी शुरू करें, तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कल को आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। तो ठीक है, तो ये सारा जब मेरी फैमिली ने मुझे ये जो जिस बात की खुशी असल हुई है वो ये हुई है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। तो जैसे हमने सबने बैठ के देखा तो वो उन्होंने बड़ा मुझे यानी कि उनके फेस पे बड़ी स्माइल आई है मेरी वजह से। वो कह रहे थे कि अब पता चला कि हम तब से जो कल का उस दिन का कैमरा ओपन करके रखा हुआ था, इसीलिए रखा हुआ था कि व्लॉग वगैरह बना रहे हो। तो फाइनली जो आज का हमारा व्लॉग है वो हमने जाना है एम्पोरियम में। और जैसा कि आज मेरा वैसे कोई मूड नहीं था एम्पोरियम जाने का, मेरा मूड कुछ और ही था कि मैं अपनी डेली रूटीन, यानी कि आज संडे था, बिल्कुल फ्री था, तो मुझे ये था कि मैं आज यानी कि अपनी रूटीन वाइज जो होता है ना कि वो मैं आपको बता सकूं। लेकिन फैमिली के साथ दोबारा जाना है मैंने एम्पोरियम में, तो एम्पोरियम में जाके मैं आपको बताऊंगा। चले, एम्पोरियम जाने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं आपको बताऊंगा एम्पोरियम में और दूसरे जो बाज़ार होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बताऊंगा कि उनमें से लड़कों के ब्रांड यानी कि मेल ब्रांड और फीमेल ब्रांड कौन कौन से अच्छे हैं, जो मैं खुद भी पहनता हूँ और जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़्यादा अच्छे हैं और रीज़नेबल हैं, चाहे वो शर्ट होगी, पैंट होगी, शूज़ हो गए, एनी वाइज जो भी अदरवाइज जो भी होगा ना मैं आपको बताऊंगा और वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि जो ब्रांड जो अच्छे हैं जो मैं खुद पहनता हूँ। तो फिर अब हम एम्पोरियम में जाएंगे तो वहाँ पे जाके अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे दोबारा से। अभी तो घर से निकलेंगे, वहाँ पे एम्पोरियम पहुँचेंगे तो वहाँ पे जाके अपना डेली डेली का यानी डेली तो नहीं, खैर डेली तो नहीं जाया जाता एम्पोरियम, तो कभी कभार ही जाना होता है, संडे में या वीकेंड पे जाना होता है। तो आज फिर जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा सारा कुछ, गाइड करूँगा। तो चलें एम्पोरियम चलते हैं, वहाँ पे जाके तो रस्ते में बात करते हैं और वहाँ पे जाके एम्पोरियम में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है? Thank you.
चलें जी, हम इम्पोरियम माल पहुंच चुके हैं, तो अब हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको सारा व्यू अंदर से दिखाएंगे। ये हम अंदर जा रहे हैं, ये अंदर जाने का रास्ता है। इसके वैसे टोटल तो 12 गेट है, लेकिन जो मेन गेट ओपन होता है जिससे अंदर जाते हैं लोग और सब जाते हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले जाते हैं, वो ये मेन गेट है और एक इससे पिछला गेट है। बाकी सारे कुछ गाड़ियों के लिए कुछ बंद है, तो हम इस मेन गेट से एंटर होंगे। ये मेन गेट है जो अंदर जा रहा है। एक लाइन जो है वो मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। आज संडे है तो आज फैमिली डे है, तो आज हम अगर फैमिली ना हो तो अंदर नहीं जाने देते संडे वाले दिन, स्पेशली संडे वाले दिन अंदर नहीं जाने देते। ये हम अंदर जा रहे हैं, ये मेन गेट आ गया। ये छोटा सा गेट ओपन किया हुआ है एंट्री का। ये हम एंटर हो गए, ये एम्पोरियम मॉल का अंदर सारा का व्यू आ गया। वो सामने अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है, तो हम अंदर जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे सारा व्यू अंदर का। तो चलें हम अंदर चलते हैं। ये जैन, जैन तो पहले भी मेरी वीडियो में आ चुका है, व्लॉग में आ चुका है। चलें जी, हम अंदर एंटर हो गए हैं। ये एंट्री का एक है और दूसरा पॉइंट साथ है, तो हम एक पॉइंट से अंदर एंटर हुए हैं और ये हम अंदर हाल में पहुंच चुके हैं एम्पोरियम के। और सबसे पहले दाई तरफ आइडियाज़ आएगा, ये आइडिया आइडिया, और एक दूसरी तरफ है स्फायर। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि जिस गेट से आप अंदर एंटर होंगे उसी गेट से एग्ज़िट होंगे। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एंट्री किसी और गेट से कर लेते हैं और एग्ज़िट वो सामने वाले गेट से कर लेते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सामने है इसके। लेकिन आपने जिस गेट से एंटर होना है उसी गेट से ही बाहर एग्ज़िट करना है, ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। तो आपने सिर्फ ये आइडियाज़ याद रखना है और स्फायर याद रखना है कि हम आइडिया से एंटर हुए हैं और स्फायर से बाहर निकलना है हमने। तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आज काफ़ी रश है तो पता नहीं चलना। ये आइडियाज़ आ गया, आइडियाज़ के हम अंदर चलते हैं। ये सारा लगा हुआ है, स्टॉक उनका लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। चलें जी, ये कपड़े पसंद कर रहे हैं। जैन जैन भी इधर उधर देख रहा है कि मैं क्या लूँ। उसके लिए अभी कुछ भी नहीं है, इधर है बच्चों के लिए अभी नहीं, इधर लगा हुआ बड़ों के लिए लगा हुआ है। ये स्टैचू लगे हैं, स्टैचू पर उन्होंने लगाया हुआ है, एक डेमो पीस लगाए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर भी ये जो आइडियाज़ है ना, इधर भी बड़ी सेल लगी होती है, आज भी सेल लगी हुई है। ये देखें, इन्होंने लगाई हुई है, ये सेल लगी हुई है 2000 की, ये 1000 की। जो मैं दूसरी एग्ज़िट बता रहा था वो ये है, निशात के बाहर है, और दूसरी साइड है इसकी अल करम स्टूडियो के बाहर। यानी कि जो लोग इधर से एंटर होंगे वो इधर से ही एग्ज़िट होंगे, ताकि उनको अपने कन्वेंस तक पहुंचने के लिए कोई परेशानी ना हो।
मैं तो चल चल के बड़ा ही थक गया हूँ। वैसे तो मैं बड़ा इधर घुमा फिरा हूँ, लेकिन आज मैंने जैसे हर ब्रांड की वीडियो बनाई है और हर जगह जा के फर्स्ट फ्लोर पे, इस टाइम हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो मैंने हर किसी ब्रांड की वीडियो बनाई है। तो मैं अब कॉल करके उनसे पूछने लगा हूँ कि उन्होंने कितनी शॉपिंग कर ली है, अगर कर ली है तो ठीक है, वरना मैं बाकी जो रह गए हैं उनकी वीडियो बनाऊँ। तो अभी तो वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। चले जी, मैं तो अब थकावट की वजह से मेरी तो बस हो गई है। मैं इधर गर्म मसाज कर लें, मसाज करते हैं। तो चले जी, ये मशीन चल रही है, मशीन ऐसे चल रही है जैसे पता नहीं कुछ कुछ कर रही है। पहले इसने बड़ी स्पीड से लगाई हुई थी, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब नॉर्मल स्पीड में अब सुकून महसूस हो रहा है। तो अब ऐसे ऐसे ज़रा थकावट दूर हो रही है, जैसे ही थकावट उतरती है तो फिर हम आगे की वीडियो बनाते हैं। अभी अब सेकंड फ्लोर रहता है, तो सेकंड फ्लोर पे सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, उधर की भी वीडियो बनाएंगे। और बाकी जो जो ब्रांड रह गए हैं तो भी बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले ज़रा इधर से फ्री हो जाएं तो फिर हम चलते हैं। चलें जी, मैं अपने कज़न को कह रहा था कि तुमने भी करना है तो कर लो, मैं तो बड़े सुकून की चीज़ है ये, तुम भी कर लो एक दफ़ा ट्राई कर लो। वो कह रहा था नहीं अभी मेरा कोई मूड नहीं है, तो मैं कह रहा था चलो ठीक है मेरे पास आ जाओ, फिर मेरे पास आके थोड़ी बात तो करो ना। तो वो मेरे पास आके खड़ा हो जाता तो मैं उसको बता रहा होता कि यार बड़ा ही मज़ा आ रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। जैसे कमर पे वो नीचे लग रहा होता है, मशीन लगी होती है, वो ऐसे पंप कर रही होती है प्रेशर के साथ, तो वो कमर की सारी थकान दूर हो रही होती है। ब्रांड तो मैंने सारे घूमे हैं, लेकिन मुझे ये है कि समझ नहीं आ रहा कि आज संडे है, संडे पहले कभी इतना रश नहीं हुआ जितना आज है, इतना ज़्यादा रश है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने जो लाइमलाइट में जो आइडिया में वीडियो बनाई थी पहले, तो वो मैं कह रहा था कि आइडिया जैसे मुझे जितनी देर लगी, अगर मैं हर ब्रांड के अंदर जाके हर किसी की वीडियो बनाता तो वो तो बहुत टाइम लग जाना था। मेरा ब्लॉग पहले बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैं कह रहा था कि बाहर से वीडियो बना लेते हैं, वैसे ही बाकी अपने दोस्तों को बता देंगे कि मैं कौन सा ब्रांड उनको रेफ़र करूँगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ बाहर की वीडियो बना ली ब्रांड के सब की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले आइडियाज़ आता है, वो भी बड़ा अच्छा ब्रांड है। उसके बाद लाइमलाइट है, लड़कियों के लिए लाइमलाइट है, आइडियाज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद मेल के लिए चारकोल भी है, उसके बाद रॉयल टैग भी है मेल के लिए, उसके बाद खादी है, ब्रेकआउट है, जे डॉट है, आउटफिटर है, ये भी बहुत ही अच्छे ब्रांड है। और इन ब्रांड के ऊपर भी काफ़ी सारी सेल लगी रहती है। ब्रांड तो और भी जैसे ये हो गए पैंट शर्ट, मेल और फीमेल के लिए तकरीबन सारे ही हैं ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे मेल और फीमेल सारे आते हैं। उसके बाद बोर्जन आता है शूज़ के लिए, सर्विस आता है, इंडियोर आता है, और बाटा आता है। बाटा का रेट बहुत ही महंगा होता है, यानी कि बाकी शूज़ों की नस्बत बोर्जन और इंडियोर की नस्बत। तो आप हश पपीज़ है वो भी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप इंडियोर से कर लें या बोर्जन से कर लें या सर्वस से कर लें, बाटा को भी रहने दें। तो बाकी और भी बहुत से ब्रांड हैं जिनको आप विज़िट करना चाहें तो कर सकते।
ये सेकंड फ्लोर की वो जगह है जहाँ पे बहुत से लोग आके टिकटॉक वगैरह और यूट्यूब वगैरह वाले वीडियो बनाते रहते हैं। ये देखें, यहाँ पे सारे लड़के हैं जो ज़्यादा टिकटॉक बनाते रहते हैं। इधर आगे वो मिरर आता है, वो मिरर के आगे खड़े होके वीडियो बनाते रहते हैं जिस तरफ हम जा रहे हैं। ये ज़्यादातर एरिया फ्री रहता है और यहाँ पे मेल्स ही आते रहते हैं ज़्यादा, और बाकी जो टिकटॉकर आते हैं वो वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये खड़े हैं सारे लड़के, ये देखें, ये सारे लड़के खड़े हैं शीशे के आगे खड़े होके टिकटॉक बनाते रहते हैं। और टिकटॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देख लिया ना, मैंने भी अपना बड़ा टाइम ज़ाया किया टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर यही लोग मेहनत करें और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएँ जहाँ पे इनको इनकम वगैरह भी मिले तो वो ठीक है, वरना टिकटॉक पे क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलता, टिकटॉक वाले पैसे नहीं देते। अगर आप यही मेहनत करें यूट्यूब पे आएँ तो आपको पैसे भी मिलें। ये देखें गाड़ी आ रही है, इसके ऊपर आइसक्रीम वगैरह वो लगाई होती हैं, झूले वगैरह वो सेल करवा रहे होते हैं बच्चों को ऊपर बिठा के ना, तो अंदर एम्पोरियम के अंदर से ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर का विज़िट करवा रहे होते हैं। ये ऊपर जा रहा है, सेकंड फ्लोर के ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ फैमिली की एंट्री होती है। आज तो वैसे भी संडे है, हर जगह फैमिली की एंट्री, लेकिन ये स्पेशली एरिया ऐसा है जहाँ पर सिर्फ फैमिली की एंट्री होती है। तो जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो बच्चा पार्टी, ये ऊपर ज़्यादा खेलने कूदने की चीज़ें हैं सिर्फ बच्चों के लिए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।